Yes, students, let's revise unit 16, that is triangles. Okay, so before revising this worksheet, let's discuss what is triangle. ठीक है, एक बारी हम गो थ्रू हो जाते हैं कि ट्रायंगल कहते किसको हैं. जैसे कि मैंने वेरी फर्स्ट डे आपको ये जब चैप्टर स्टार्ट करवाया था, ये क्लियर आपको बताया था कि ट्रायंगल का मतलब होता है ट्राई एंगल, मीन्स कि थ्री एंगल्स. ठीक है, ट्राई मीन्स थ्री, एंगल्स मीन्स जो दो लाइन सेगमेंट आपस में मिलती हैं, ज्वाइंट होती है तो एक कॉर्नर बनाती है, कोना, और अंदर ये राउंड में जो डिस्टेंस है इसको कहा जाता है एंगल. ठीक है, ट्रायंगल के अंदर वाला जो ये पार्ट है, ये राउंड वाला, जब ये दो लाइंस आपस में बेंट होके कॉर्नर बना रही है, ये वाला अंदर का जो हिस्सा होगा इसको कहा जाएगा एंगल. ठीक है, तो ट्रायंगल मींस कि जहां पे थ्री एंगल्स बनते हों उसको कहा जाएगा ट्रायंगल. ठीक है, एक ऐसी फिगर जहां पे थ्री एंगल्स बनते हों, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल. ये जो कॉर्नर बन रहा है बच्चे, इसको कहा जाता है वर्टेक्स. ठीक है, इस कॉर्नर को क्या बोलेंगे, ये जो टिप है बिल्कुल, इसको कहेंगे वर्टेक्स, और इसको हम कहेंगे साइड. ये जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये कितनी भी मेजरमेंट की हो सकती है, फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, इवन की मीटर में भी हो सकती है. ठीक है, डिपेंड अपॉन द यूनिट कि उसकी क्या लेंथ है, वो छोटी है या फिर बड़ी है, तो इसको हम कहेंगे साइड. और ये जो अंदर ये बन रहा है राउंड साइज को कहेंगे हम एंगल. राइट, तो आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू. एक यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है कि यहाँ ये बनाता है वर्टेक्स, एंगल एंड साइड. तो ये तीनों चीजें जहां पे भी आपको मिलेंगी इस फिगर में, ये जो ट्राई एंगल यानी कि थ्री एंगल वाली जो फिगर है, इसको कहा जाएगा ट्राई एंगल. राइट, तो एक चीज और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, अ ट्राइंगल हैज थ्री एंगल्स, एंगल बी ए सी. ठीक है, यहाँ पे देखिए एंगल बी ए सी, इसका मतलब क्या है कि ये एंगल ए है. कैसे हमें पता चला कि ये एंगल ए है, देखिए यहाँ पे एक तो लाइन सेगमेंट ये वाली है, यानी कि एक साइड ये है, दूसरी साइड मेरे पास ये है, यानी कि एक ए बी साइड है और एक ए सी साइड है. तो दोनों में क्या आ रहा है, ए ए कॉमन आ रहा है. ठीक है, ए बी और ए सी. ठीक है, ए बी ए सी, तो ए क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, दोनों में प्रेजेंट है, दोनों साइड में प्रेजेंट है. दैट मीन्स जो मिडल वाला अल्फाबेट होगा, दैट इज द एंगल. ठीक है, जो मिडल वाला ये जो लिखा है, यही क्या बनेगा, एंगल बनेगा. तो बी ए सी, तो ए जो है वो क्या है, यहाँ पे एंगल है, यानी कि इसको हम ए एंगल भी बोल सकते हैं या फिर एंगल बी ए सी भी बोल सकते हैं. राइट, अगर हमें सी के बारे में बताना है, इसका नेम बताना है, तो हम कैसे बताएंगे, वी कैन राइट सिंपली एंगल सी और वी कैन राइट बी सी ए, क्योंकि यहाँ पे ये टू साइड से मिलकर बन रहा है बी सी एंड सी ए. तो सी दो बारी आ रहा है, इस साइड में भी आ रहा है बी सी में और ए सी में भी आ रहा है. राइट, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं एंगल बी सी ए और सिंपली एंगल सी. सेम यहाँ पे भी अप्लाई होगा, इसको हम एंगल बी भी बोल सकते हैं या फिर एंगल ए बी सी, यानी कि जो बी है बच्चे वो आपका मिडल में आएगा. ठीक है, जो बी है, जिस एंगल को हम डिफाइन कर रहे हैं वो मिडल में आएगा. सी बी ए भी हो सकता है या फिर ए बी सी भी हो सकता है, बोथ आर करेक्ट, लेकिन मिडल में आपने बी को ही रखना है अगर आप एंगल बी रिप्रेजेंट कर रहे हो. ठीक है, अगर आप एंगल बी बता रहे हो, एंगल बी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो एंगल बी आपका मिडल में आएगा. ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है. अ ट्रायंगल हैज थ्री वर्टेक्स, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स. ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी थ्री वर्टेक्स हो. ये वर्टेक्स दिख रहे हैं आपको, कोने कितने हैं यहाँ पे, कॉर्नर्स थ्री हैं, साइड्स कितनी है, थ्री है, 1 2 3, और एंगल्स भी यहाँ पे थ्री हैं. तो यानी कि ऐसी फिगर जिसके थ्री वर्टेक्स हों, थ्री साइड्स हों और थ्री एंगल्स हों, उसको कहा जाता है ट्राई एंगल. नाउ कम टू द वर्कशीट 1.